हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दित फार्मेसी। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमने फार्मास्यूटिक्स का 13 चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, स्टेलाइजेशन। तो स्टेलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेलाइजेशन का सेकेंड पार्ट, राइट। सो इसमें सबसे पहले राइट अ नोट ऑन हॉट एयर ओवन ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है हॉट एयर ओवन के बारे में, जो कि हमने पढ़ा था, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन और मोस्ट स्टेलाइजेशन। दो टाइप हमने देखे थे स्टेलाइजेशन के। तो सबसे पहले हॉट एयर ओवन, जो कि ड्राई हीट स्टेलाइजेशन के अंदर आता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो हॉट एयर ओवन होता क्या है? हॉट एयर ओवन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किलिंग द ऑर्गेनिज्म बाय ड्राई हीट एट 150 टू 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। देखिए, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ओवन होता है, आप लेबोरेटरी में आपने नॉर्मल ओवन देखा होगा रखा हुआ, तो वो क्या होता है, वो होता है ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, जिसमें आप रख देते हैं और हीट के कारण मींस ड्राई हीट वहां पे अप्लाई होती है और आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टेलाइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है यहाँ पे, हॉट एयर ओवन होता है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किलिंग द ऑर्गेनिज्म बाय ड्राई हीट। हॉट एयर ओवन किसके प्रिंसिपल के पे काम करता है? ड्राई हीट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने पे काम करता है, ठीक है। और कौन कितने डिग्री सेल्सियस पे? 150 टू 170 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर जाता है। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए अपना प्रोडक्ट रखा जाता है स्टराइल होने के लिए। उसके बाद ड्राई हीट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेल प्रोटीन। ड्राई हीट स्टेलाइजेशन प्रोसेस है वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा उसके सेल प्रोटीन को ख़त्म करके क्या करता है, स्टेलाइल करता है अपने प्रोडक्ट को, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से किल कर देता है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब हॉट एयर ओवन की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसी है? इट इज अ डबल वॉल चैम्बर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम, राइट। ये डबल वॉल चैम्बर होता है, दो लेयर इसके बाहर प्रेजेंट होती है। और ये किससे बना हुआ होता है? या तो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है या फिर एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। सेकेंड वन इज इंसुलेशन ऑफ एस्बेस्टोस इज फिल्ड बिटवीन टू वॉल टू प्रिवेंट हीट लॉस, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, इंसुलेशन ऑफ एस्बेस्टोस का मतलब है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड हाई हीट रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये हैजार्डस होता है, ये बोल सकते हैं हार्मफुल हो सकता है वर्कर्स के लिए, जो प्रोडक्ट उसके अंदर रखा है स्टराइल होने के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे तो बैन भी कर दिया है। ये क्या ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हीट को क्या करती है, कंट्रोल करती है, हीट को रजिस्ट करती है, ज़्यादा हीट अप्लाई ना हो जाए उसे रोकने का काम करती है। लेकिन ये हैजार्डस हो सकता है क्योंकि ये हार्मफुल होता है आपके प्रोडक्ट के लिए, हार्मफुल हो सकता है जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड वन इज डोर इज ऑल्सो डबल वॉल्ड विद गास्केट ऑन द इट्स इनर साइड। अब जो डोर होता है हॉट एयर ओवन का, वो कैसा होता है, डबल वॉल्ड होता है, मीन्स दो लेयर उसके ऊपर होनी होती है हॉट एयर ओवन के, किस पे, डोर पे। दूसरी चीज गास्केट, इनर साइड उसके गास्केट प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गास्केट? देखिए, किसी भी चीज को बांधने का कोई एलिमेंट या फिर बोल सकते हैं रस्सी, ठीक है, जो क्या करे, जो गेट है उसे एक दूसरे एक साइड से दूसरी साइड तक टाइटली अटैच करने के लिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है टू और थ्री परफोरेटेड स्लीव्स आर फिक्स्ड इनसाइड इट। उसके बाद दो से तीन परफोरेटेड स्लीव्स उसके अंदर प्रेजेंट होती है, किसके, हॉट एयर ओवन के। परफोरेटेड स्लीव्स का मतलब होता है ऐसी बोल सकते हैं आपके ऐसी स्लीव्स, देखिए आपने बोल सकते हैं अलमारी या फिर ट्रे, ठीक है, जो परफोरेटेड हो। परफोरेटेड मतलब उसके अंदर छेद प्रेजेंट हो, पोर्स हो, जिसे आप छिद्रित सील भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फैन इज फिटेड इनसाइड टू हैव यूनिफॉर्म सर्कुलेशन ऑफ हीट। उसके बाद इस हॉट एयर ओवन के अंदर एक फैन भी लगा हुआ होता है जो कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलेशन, मतलब हीट का सर्कुलेशन पूरे मशीनरी के अंदर, पूरे हॉट एयर ओवन के अंदर, पूरे प्रोडक्ट जो उसके अंदर हमें स्टेराइल करने हैं, पूरे प्रोडक्ट के अंदर जो हीट है वो कंटिन्यूसली क्या हो सके, सर्कुलेट हो सके। नेक्स्ट वन इज हीटिंग कॉइल इज फिटेड एट द बॉटम। हीटिंग कॉइल है जो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ से हीट प्रोवाइड की जा रही है पूरी मशीनरी को, पूरे इक्विपमेंट को, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉटम में, मतलब नीचे।
सेवेंथ पॉइंट इज टेम्परेचर इज रेगुलेटेड विद थर्मोमीटर एंड थर्मोस्टेटिक डिवाइस. उसके बाद जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा, थर्मोमीटर के द्वारा या फिर थर्मोस्टेटिक डिवाइस के द्वारा, राइट. उसके बाद देखिए ये कंस्ट्रक्शन है हॉट एयर ओवन की, दिखाई पड़ रहा है ये कंस्ट्रक्शन है किसकी, हॉट एयर ओवन की. देखिए ये कंस्ट्रक्शन है, ये ऊपर यहाँ पे क्या फिट है, वेंट. वेंट माने क्या होता है, जो एयर होती है अंदर प्रेजेंट किसके इक्विपमेंट के अंदर, जो एयर फिलअप हो जाती है वो बाहर निकालने के लिए, फिर कोई भी प्रोडक्ट कोई भी मटेरियल बाहर और अंदर करने के लिए क्या लगा हुआ है, ये वेंट लगा हुआ है. दिस इज क्या, ये क्या है, फैन है. यहाँ से एयर बाहर जाती है, ये क्या है, यहाँ पे ये फैन लगा हुआ है जिससे कि पूरी जो ये मशीनरी जो इक्विपमेंट है इसके अंदर जो हीट है वो सर्कुलेट हो सके. ये क्या है, एस्बेस्टोस गास्केट. देखिए ये एस्बेस्टोस गास्केट लगा हुआ है जो कि हीट को मेंटेन करता है. दिस इज थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर है जिससे क्या रेगुलेट किया जाता है, टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है. ये क्या रेगुलेटर है, राइट. ये क्या है, परफोरेटेड स्लीव्स है. परफोरेटेड स्लीव्स जैसे जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये परफोरेटेड स्लीव्स है, ये यहाँ पे फिट रहती हैं, ठीक है. देखिए छेद दिखाई दे रहे हैं आपको, पोर्स दिखाई दे रहे हैं. इस पे आप अपना सब्सटेंस क्या करते हैं, रखते हैं, जो भी हमें स्टराइल करना है वो यहाँ पे हम फिट करते हैं. क्यों, क्योंकि ये परफोरेटेड स्लीव्स क्यों होती हैं, ये परफोरेटेड स्लीव्स इसलिए होती हैं जिससे कि नीचे से भी हीट पास आउट हो सके और जो हीट सर्कुलेट हो रही है पूरे सिस्टम में वो हर एक कंपाउंड के आसपास बाजू से भी पूरी तरीके से उस कंपाउंड को स्टराइल करने में हेल्प कर सके. दिस इज डोर, ये क्या है, डोर है. देखिए डबल लेयर है, डोर में जैसे कि मैंने बताया था डबल लेयर प्रेजेंट होगी, डबल लेयर है, ठीक है. अब एट पॉइंट देखते हैं, द मटेरियल टू बी स्टरलाइज इज प्लेस ऑन द स्लीव्स. जो मटेरियल हमें स्टरलाइज करना है जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी, वो कहाँ पे रखेंगे, हम यहाँ पे सेल्स के ऊपर रखेंगे. नाइन्थ वन इज द टेम्परेचर एंड टाइम आर सेट. टेम्परेचर और टाइम आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सेट कर सकते हैं. टेंथ इज आफ्टर कंप्लीट स्टरलाइजेशन स्विच ऑफ द करंट. उसके बाद जब स्टरलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, करंट को स्विच ऑफ करना है, मीन स्विच को ऑफ करना है. इलेवेंथ इज कूल द ओवन फॉर हाफ एन आवर. उसके बाद ओवन को कम से कम आधे घंटे के लिए कूल होने के लिए छोड़ देना है. देन ओपन एंड टेक द मटीरियल. उसके बाद उसे इजीली ओपन करना है और अपने मटीरियल को ले लेना है. उसके बाद प्रिकॉशंस टू बी टेकन हॉट एयर ओवन के साथ, कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें अप्लाई करनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए. फर्स्ट वन इज ग्लास मटेरियल मस्ट बी रैप्ड विद फिल्टर पेपर. उसके बाद जो ग्लास मटेरियल होता है जो हम स्टराइल कर रहे हैं किसमें, हॉट एयर ओवन में, वो किससे रैप होना चाहिए, फिल्टर पेपर से वो रैप होना चाहिए. मतलब कि क्या, फिल्टर पेपर से लपेटा हुआ होना चाहिए. उसके बाद आप उसे वहां पे रखेंगे स्टराइल करने के लिए, हॉट एयर ओवन में आप उसे इंसर्ट करेंगे. सेकेंड वन इज कंटेनर मस्ट बी प्लग्ड विद नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल. उसके बाद जो कंटेनर है वो कैसे, जो कंटेनर है वो किसके साथ प्लग करना है, मीन्स बंद करके रखना है आपको, नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल. नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल क्या होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे कॉटन वूल जो कि किसी भी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब ना करते हो, ठीक है, किसी भी पेय पदार्थ मतलब बोल सकते हैं लिक्विड फॉर्म को एब्जॉर्ब ना करते हो. थर्ड वन इज डू नॉट ओवरलोड द मटेरियल. दूसरी चीज, ये चीज ध्यान रहे कि आपकी एक बार में हॉट एयर ओवन के अंदर कोई भी मीन्स ओवरलोड मटेरियल एकदम से ना डालें, उससे प्रोडक्ट अच्छे से स्टराइल भी नहीं हो पाएगा और क्या नहीं, और वो अच्छे से मशीन काम भी नहीं कर पाएगी. उसके बाद फोर्थ इज कीप सफिशियंट स्पेस बिटवीन द आर्टिकल्स. जो आप प्रोडक्ट अपना अप्लाई करेंगे मशीनरी के अंदर इक्विपमेंट के अंदर, उसमें अच्छे सा स्पेस प्रेजेंट होना चाहिए. एक मटेरियल आपने रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा स्लीव्स के ऊपर, तो उनमें अच्छे से गैप प्रेजेंट होना चाहिए. फिफ्थ वन इज डू नॉट प्लेस द मटेरियल ऑन द फ्लोर ऑफ द ओवन. उसके बाद ओवन के फ्लोर पे आप मटेरियल प्लेस नहीं करेंगे. फ्लोर पे हमें मटेरियल प्लेस नहीं करना है, सिर्फ स्लीव्स के ऊपर हमें मटेरियल प्लेस करना है. उसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं हॉट एयर ओवन की. फर्स्ट वन इज सुटेबल फॉर इक्विपमेंट लाइक ग्लास स्टील यूटिलसाइल. अब दूसरी चीज क्या होती है एडवांटेजेस में, जो आपका हॉट एयर ओवन होता है वो ग्लास लाइक इक्विपमेंट्स के लिए, स्टील लाइक इक्विपमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है. सेकेंड वन इज यूजफुल फॉर ऑयली मटीरियल एंड पाउडर्स. ऑयली मटीरियल्स को ड्राई करने के लिए, पाउडर्स को ड्राई करने के लिए भी हॉट एयर ओवन का यूज किया जाता है.
ऑपरेशन आर इजी, इजी सा ऑपरेशन है, आप इजीली उसमें रख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ वन इज सुटेबल मेथड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ असेंबल्ड इक्विपमेंट लाइक ग्लास, सिंजर्स, मेटल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि ग्लास के जितने भी बने हुए इक्विपमेंट होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो सब आप स्टराइल कर सकते हैं। किसके? हॉट एयर ओवन के अंदर मेटल के इक्विपमेंट सारे स्टराइल कर सकते हैं हॉट एयर ओवन के अंदर। अब उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं? फर्स्ट वन इज नॉट सुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। अब जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है हॉट एयर ओवन। सेकंड वन इज नॉट सुटेबल फॉर रबर प्लास्टिक गुड्स। उसके बाद रबर के जो बने हुए मटेरियल होते हैं या फिर आपके प्लास्टिक के बने हुए जो मटेरियल होते हैं उनके लिए भी हॉट एयर ओवन सुटेबल नहीं है स्टरलाइजेशन के लिए। थर्ड वन इज इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, बिकॉज इसमें क्या सबसे ज्यादा जरूरी होती है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये प्रोसेस काम नहीं करती। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन एंड यूजेस। अब एप्लीकेशन और यूजेस क्या क्या होते हैं इसके, ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है हॉट एयर ओवन को। फर्स्ट वन इज मेनली यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लास वेयर्स सच एज फ्लास्क, पिपेट ट्यूब, बोट्स, मोटर एंड पिस्टल एटसेट्रा। राइट, देखिए अब कौन कौन सी एप्लीकेशन और यूजेस हो सकते हैं हॉट एयर ओवन के। सबसे पहले तो ग्लास वेयर्स, जितने भी ग्लास वेयर आप यूज करते हैं कहाँ पे, आप अपने लेबोरेटरी में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में जितने ग्लास वेयर्स यूज होते हैं वो सारे स्टराइल कर सकते हैं हॉट एयर ओवन के अंदर। जैसे कि फ्लाश है आपका, पीपेट है, ट्यूब है, बोट्स है, उसके बाद मोटर एंड पिस्टल है, पीपेट है, आपका ग्लास ट्यूब है, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं किसमें, मीन्स स्टरलाइज कर सकते हैं किसके अंदर, हॉट एयर ओवन के अंदर। सेकंड वन इज इट इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ पाउडर सच एज कैलोनिन, टाल्क एटसेट्रा। दूसरी चीज, ये बहुत सारे पाउडर्स को स्टराइल करने में यूज आता है, जैसे कि कैलोनिन, टाल्क एटसेट्रा, इस टाइप के पाउडर्स को स्टराइल करने के लिए हॉट एयर ओवन का यूज किया जाता है। थर्ड वन इज इट इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन कंटेनिंग फिक्स्ड ऑयल एज अ व्हीकल, देयर फॉर इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। राइट, अब क्या कुछ इंजेक्शन भी स्टराइल किए जाते हैं हॉट एयर ओवन के अंदर जो कि फिक्स्ड ऑयल, जिनके अंदर फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट हो, कैसा, एज अ व्हीकल, जो व्हीकल होता है एज अ व्हीकल किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी प्रिपरेशन के अंदर एज अ व्हीकल अगर ऑयल प्रेजेंट है तो उसे भी आप स्टराइल कर सकते हैं किसके अंदर, हॉट एयर ओवन के अंदर। फोर्थ वन इज इट इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेटल इक्विपमेंट लाइक स्कैल्पस, स्पैचुलास, ब्लेड, सीजर, ग्लास, सिंजर्स। राइट, अब इस टाइप के इक्विपमेंट के लिए, इस टाइप के आपके कंपाउंड्स के लिए भी हॉट एयर ओवन ही यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट वन इज राइट अ नोट ऑन मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन या मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के दो पार्ट हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, दूसरा मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन। अब ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हमने सबसे मेन जो होता है क्या, हॉट एयर ओवन, वो हमने देख लिया। अब मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में जो मेन होता है वो होता है ऑटोक्लेव। स्टीम हैज मोर पेनिट्रेशन पावर देन ड्राई हीट। राइट, देखिए जैसे कि आपको पता है, एग्जाम्पल ले लीजिए ऑटोक्लेव का, मैं आपको बताती हूँ। घर में जो प्रेशर कुकर होता है वही सेम काम होता है ऑटोक्लेव का, ठीक है। उसी तरीके से उसमें भी वसल आती है, उसी तरीके से जो स्टीम बनती है अंदर, स्टीम में जो आपका आप अंदर रखते हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर में क्या करते हैं आप, जैसे आपने सब्जी बनाई, चावल बनाए, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर अंदर स्टीम से, भाप से आपका जो प्रोडक्ट है वो तैयार होता है, जो खाना है वो तैयार होता है। तो वही चीज यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को स्टराइल कर रहे हैं किसके द्वारा, स्टीम के द्वारा, ठीक है। क्योंकि जो स्टीम होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है ड्राई हीट से। आपको जैसे पता होगा, अगर आप स्टीम के द्वारा, मतलब प्रेशर कुकर में कोई भी खाना, चावल ले लीजिए या कोई भी सब्जी ले लीजिए, वो बनाते हैं तो वो ज्यादा जल्दी बन जाता है किसके कंपैरिजन, अगर आप वैसे ड्राई हीट पे कोई भी चीज कुक करेंगे उसके कंपैरिजन में। तो वही सेम चीज यहाँ पे। सेकेंड वन इज मोस्ट स्टीम पेनिट्रेट द स्पोर्स एंड कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया, रप्चर इट एंड दस किल बैक्टीरियल स्पोर्स। राइट, देखिए जो मोस्ट स्टीम होती है, स्टीम जो होती है, भाप जो होती है, वो किसे पेनिट्रेट करती है, स्पोर्स को। स्पोर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया का ग्रुप, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड स्पोर्स, स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, स्पोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के कैप्सूल को रप्चर इट, उसे रप्चर कर देते हैं, मतलब खराब कर देते हैं, एंड दस किल बैक्टीरियल स्पोर्स, और दूसरी चीज बैक्टीरियल स्पोर्स को भी किल करते हैं किसके द्वारा, मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मीन्स ऑटोक्लेव में।
नेक्स्ट वन इज ऑटोक्लेव इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन. ऑटोक्लेव ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में यूज किया जाता है. नॉर्मली भी आपने लेबोरेटरी में देखा होगा ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन, ये दोनों लेबोरेटरी में यूज होते हैं. मोस्टली तो हॉट एयर ओवन यूज होता है क्योंकि स्टरलाइज प्रोसेस ज्यादा लेबोरेटरी में ज्यादा यूज नहीं होती, लेकिन अगर होती है तो उसमें मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन मीन्स ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है. देखिए क्या है, एयर वेंट है जहां से हवा पास आउट होती है. ये क्या है, प्रेशर गेज है, यहां से प्रेशर बनता है. ये सेफ्टी वॉल्व है, ये विंग आउट है, देन बॉडी, ये क्या है आपके ऑटोक्लेव के बाहर का हिस्सा है. ये परफोरेटेड बास्केट, दिस इज परफोरेटेड बास्केट. परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें छिद्र प्रेजेंट हो, इस तरीके की बास्केट यहाँ पे प्रेजेंट है. ये क्या है, नीचे वाटर भरा हुआ होता है. आपने देखा होगा प्रेशर कुकर में आप पानी के बिना कोई भी चीज क्या नहीं कर सकते, स्टीम नहीं कर सकते. ये क्या है, स्टैंड, दिस इज ए स्टैंड ऑफ ऑटोक्लेव. ये क्या है, हीटिंग डिवाइस, ये यहां से हीट प्रोवाइड की जा रही है इस इक्विपमेंट को. नेक्स्ट वर्ड इज प्रिंसिपल. अब ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ऑटोक्लेव काम करता है. इन द ऑटोक्लेव सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर इज यूज्ड व्हिच कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्स. राइट, देखिए सैचुरेटेड स्टीम, स्टीम के द्वारा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर्स को डिस्ट्रक्ट किया जाता है, डिस्ट्रक्शन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और स्पोर्स का ऑटोक्लेव. नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन कैसी है ऑटोक्लेव की. फर्स्ट पॉइंट इज इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक चैम्बर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील. एक स्ट्रॉन्ग मेटेलिक चैम्बर है जो कि किससे बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है. ठीक है, जो बाहर का है हिस्सा है ऑटोक्लेव का, वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक चैम्बर का बना हुआ है जो किससे बना है, स्टेनलेस स्टील से बना है. सेकेंड वन इज इट हैज कवर. इसके पास एक कवर है, कंसिस्ट ऑफ एयर वेंट, ऊपर एयर वेंट लगा हुआ है जिससे कि एयर पास आउट होती है. ठीक है, प्रेशर गेज लगा हुआ है एंड सेफ्टी वॉल्व भी प्रेजेंट है जैसे कि आपने कंस्ट्रक्शन में देखा. थर्ड वन इज रबर गास्केट इज फिटेड इनसाइड टू मेक ऑटोक्लेव एयर टाइट. ठीक है, अब क्या प्रेजेंट होता है इसमें, रबर गास्केट प्रेजेंट होता है जो कि ऑटोक्लेव को एयर टाइट करता है, मींस पूरी तरीके से टाइट कर देता है. किसे, ऑटोक्लेव को. गास्केट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, एक टाइट करने वाला, ये रस्सी बोल सकते हैं, टाइट करने वाला तार बोल सकते हैं आप, इस तरीके का जो भी कंपाउंड होता है उसे बोलते हैं गास्केट. फोर्थ इज विंग नट एंड बोल्ट्स हेल्प टू क्लोज द लिड. उसके बाद विंग नट, कुछ नट प्रेजेंट होते हैं इसमें, कुछ बोल्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि कसने के बाद ये क्या हो जाता है, एयर टाइट हो जाता है. राइट, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट, अ परफोरेटेड बास्केट इज कैप्ड ऑन द स्टैंड. जो परफोरेटेड बास्केट है जो कि नीचे की तरफ प्रेजेंट है ऑटोक्लेव में, वो किसके ऊपर खड़ी है, एक स्टैंड के सहारे वो क्या रखी हुई है. सिक्स्थ पॉइंट इज हीट डिवाइस इज फिटेड एट द बॉटम. हीट डिवाइस कहाँ पे फिट है, बॉटम में फिट है. ठीक है, जहां से हीट प्रोवाइड की जा रही है ऑटोक्लेव को, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉटम में, मीन्स नीचे के हिस्से में प्रेजेंट है. नेक्स्ट वन इज वर्किंग. अब ये काम कैसे करता है. फर्स्ट पॉइंट इज ऐड सफिशियंट वाटर इन द ऑटोक्लेव. ऑटोक्लेव के अंदर सफिशियंट वाटर को ऐड करना है. सेकेंड वन इज द परफोरेटेड बास्केट विद मटीरियल टू बी स्टरलाइज्ड एंड इज कैप्ड ऑन द स्टैंड. राइट, स्टैंड के ऊपर जो परफोरेटेड बास्केट रखी हुई है उसमें अपने मटीरियल को जो हमें स्टरलाइज करवाना है उसे फिल करना है. थर्ड वन इज क्लोज द लिड एंड टाइट द विंग नट. उसके बाद लिड को बंद कर लेना है, लिड मतलब दरवाजा, उसे बंद कर लेना है और विंग नट जो हैं, जो नट्स हैं, बोल्ट्स जो हैं, उन्हें पूरी तरीके से टाइट कर देना है. फोर्थ वन इज ऑटोक्लेव इज स्विच्ड ऑन टू हीट द वॉटर. उसके बाद ऑटोक्लेव को ऑन कर देना, ठीक है, जिससे कि जो वॉटर है वो क्या होने लगे, स्विच ऑन. सबसे पहले ऑटोक्लेव को स्विच ऑन कर देना है, उसके बाद जो वाटर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, हीट होना शुरू हो जाएगा. फिफ्थ वन इज द एयर वेंट इज ओपन एंड सेफ्टी वॉल्व इज सेट एट द रिक्वायर्ड प्रेशर. उसके बाद जो एयर वेंट जो ऊपर लगे हुए हैं उन्हें ओपन कर देना है, खोल देना है, और जो सेफ्टी वॉल्व है उन्हें आपको पता है कि कितना प्रेशर इस प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, इस प्रोडक्ट के स्टरलाइजेशन के लिए कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है, कितनी स्टीम पे ये जाके स्टरलाइज होगा, तो उसके लिए उसके हिसाब से सेफ्टी वॉल्व को सेट कर देना है. सिक्स्थ वन इज व्हेन द स्टीम स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द वेंट. जब स्टीम वेंट से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, इट इज अलाउड टू कम फॉर 5 मिनट एंड देन क्लोज.
जब बहुत ज्यादा स्टीम बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी तो आपको क्या करना है, जो आपका इक्विपमेंट है उसे 5 मिनट के लिए बंद करना है, और उसके बाद उसे क्या करना है, 5 मिनट के बाद उसे क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। सेवंथ वन इज स्टीम प्रेशर स्टार्ट इंक्रीजिंग। जैसे ही स्टीम प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, व्हेन डिजायर प्रेशर इज अटेंड, जब आपका जो मीटर में डिजायर प्रेशर, जितना प्रेशर आपको चाहिए था उतना प्रेशर हो जाएगा कंप्लीट, उतना प्रेशर बन गया है ऑटोक्लेव के अंदर कॉन्स्टेंट फॉर द स्टेटेड पीरियड, उसके बाद उसे कुछ टाइम के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। प्रेशर जब उसमें आपके आपका डिजायर प्रेशर उसमें कंटेन हो गया है तो कुछ टाइम के लिए उसे ऐसे ही बंद छोड़ देना। उसके बाद 8th point इज यूजुअली स्टरलाइजेशन इज ऑटोक्लेव इज कैरिड आउट एट 15 IBS इंच टू प्रेशर 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। उसके बाद 120 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए उसे क्या करना है, सैचुरेट करना है। 9th point इज आफ्टर स्टेटेड पीरियड ऑटोक्लेव इज स्विच ऑफ एंड अलाउ इट टू कूल। उसके बाद उसे स्विच ऑफ करना है और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। टू अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस एंड देन ओपन द वेंट। 40 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसे 15 मिनट के लिए रखा था, सेचुरेट किया था, उसके बाद उसे बंद करना है। और 40 डिग्री सेल्सियस पे जब हमारा टेम्परेचर पहुंच जाएगा उसे ओपन करना है, ठीक है, वेंट को ओपन करना है। 10th point इज वैन होल स्टीम इनसाइड द ऑटोक्लेव इज रिमूव्ड। जैसे कि आप प्रेशर कुकर घर में यूज करते हैं, जब तक उसके अंदर से पूरी की पूरी स्टीम बाहर नहीं निकल जाती तब तक वो ओपन नहीं होता। तो जब तक पूरी की पूरी स्टीम बाहर नहीं निकल जाती है तब तक आपको, आप उसे ओपन नहीं कर पाएंगे। जब स्टीम बाहर निकल जाएगी तो वो क्या ओपन हो जाएगा, लिड इज ओपन, ओपन हो जाएगा एंड स्टरलाइज्ड मटीरियल इज टेकन आउट। और जो स्टरलाइज्ड मटीरियल है आपका, आप उसे बाहर ले सकते हैं। ओके, अब इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। फर्स्ट वन इज इट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोर अफेक्टली देन ड्राई हीट। ड्राई हीट के कंपैरिजन में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज्यादा अफेक्टिवली मीन ज्यादा अच्छे से किल कर देता है, ठीक है। सेकेंड वन इज इट इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल इंजेक्शन। लार्ज नंबर पे जो ऑफिशियल इंजेक्शन होते हैं उनके स्टरलाइजेशन के लिए भी ऑटोक्लेव का ही यूज किया जाता है। थर्ड वन इज लार्ज एंड स्मॉल लोड कैन बी स्टरलाइज। अब आप ऑटोक्लेव के अंदर जो स्मॉल क्वांटिटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की वो भी आप स्टरलाइज कर सकते हैं, और जो लार्ज क्वांटिटी होती है आपके प्रोडक्ट की वो भी आप स्टरलाइज कर सकते हैं। फोर्थ वन इज इट इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। ये इक्विपमेंट्स के स्टरलाइजेशन के लिए यूज होता है, हैविंग पार्ट मेड अप ऑफ रबर प्लास्टिक एटसेट्रा। क्योंकि आपने देखा है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में आप जो रबर का बने हुए इक्विपमेंट होते हैं उन्हें आप स्टरलाइज नहीं कर सकते, जो प्लास्टिक के बने हुए इक्विपमेंट होते हैं आप उन्हें स्टरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस टाइप के इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज मैथड इज एप्लीकेबल फॉर वाइड वेराइटी ऑफ मटीरियल। ऑटोक्लेव जो है, जो आपका मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो मैथड है, वो वाइड वेराइटी मीन्स बड़ी वेराइटी पे मटीरियल को स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब इसकी डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज नॉट सुटेबल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ पाउडर एंड ऑयल। ये पाउडर और ऑयल को स्टरलाइज करने के लिए सुटेबल नहीं है। सेकेंड वन इज नॉट सुटेबल फॉर मटीरियल विच कैन नॉट विद स्टैंड टेम्परेचर मोर देन 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट एंड अबव। उसके बाद ये ऐसे मटेरियल के लिए भी स्टरलाइजेशन प्रोसेस नहीं है जो कि 115 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर गेन नहीं कर सकता है। और उसके बाद ऐसा भी ना हो कि 15 डिग्री सेल्सियस, 115 डिग्री सेल्सियस आपने कुछ टाइम के लिए तो गेन कर लिया लेकिन 30 मिनट बाद वो डिग्रेड हो जाए मटीरियल। तो ऐसे मटीरियल के लिए भी ऑटोक्लेव सही नहीं है। अब एप्लीकेशंस क्या क्या हैं ऑटोक्लेव की। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। ये सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग्स जो होती हैं उन प्रोडक्ट को स्टरलाइज करने के लिए यूज होता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज अ कंटेनर एंड क्लोजर कैन बी स्टरलाइज बाय ऑटोक्लेव। जो कंटेनर होते हैं वो क्लोजर्स जो होते हैं जिससे कंटेनर को बंद किया जाता है वो स्टरलाइज किया जाता है किसके द्वारा, ऑटोक्लेव के द्वारा ही। थर्ड वन इज इट इज यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ ऑफिशियल इंजेक्शन। जो ऑफिशियल इंजेक्शंस होते हैं मेजोरिटी मतलब बहुत सारे ऑफिशियल इंजेक्शंस का जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है वो भी ऑटोक्लेव के द्वारा ही किया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज इट इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स मेड अप ऑफ रबर प्लास्टिक ग्लास। अब ऐसे प्रोडक्ट जो कि किससे बने हुए हैं, वो रबर से, प्लास्टिक से और ग्लास से बने हुए हैं, ऐसे प्रोडक्ट को स्टरलाइज करने के लिए भी ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है।
सो थैंक यू सो मच गाइज, आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, जल्दी मिलेंगे ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।